अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबीए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। बीजेपी के मलून रुकने असम्बली राजा सिंह को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसे मुख्तलिफ फोन नंबरों से फोन करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया था। आज 40 साल मोहम्मद वसीम साकिन फूलबाग चंद्रन गुट्टे को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो सऊदी अरब जिद्दा से हैदराबाद पहुंचा था। इस शख्स पर इल्जाम है कि इसने हालिया दिनों में राजा सिंह को फोन कॉल्स करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। आम इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल ना करने पर आरएसएस ने जाफरानी पार्टी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया है। राष्ट्रीय सेवा संघ के तर्जुमान ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के नाखिस मुजाहरे पर तनकीद की है। सिंह ने कहा है कि ऐसे नतायज बीजेपी लीडर्स और कारकुनों की ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से आए हैं। ऑर्गेनाइजर्स में शायद मजमून में रतन शारदा ने लिखा है कि आवाम और आम लोगों की आवाज़ सुनने के बजाय बीजेपी कारकुन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मद्दाह सराई की चमक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मजमून के आगाज़ में संघ ने लिखा है कि भले ही मरकज़ में तीसरी बार मोदी हुकूमत बनी है, लेकिन इस बार बीजेपी अपने बलबूते पर मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेलुगुदेशम पार्टी के सरबरा एन चंद्रबाबू नायडू ने हलफ ले लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रामदास उठावाले, एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल, अदाकार रजनीकांत और कई दिगर अफराद ने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। हलफबरदारी की यह तकरीब विजयवाड़ा के मदाफात में वाक़े कसरापल्ली में गन्नावरम एयरपोर्ट के करीब सुबह 11:30 बजे मुनक़िद हुई। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने चंद्रबाबू नायडू को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। तेलंगाना में आज टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नतायज जारी किए। पेपर वन में 88,999 उम्मीदवार और पेपर टू में 1,50,491 उम्मीदवारों ने शिरकत की। उम्मीदवारों को डीएससी लिखने की सहूलत फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत ने डीएससी के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तौसी कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने अवामी निज़ाम तरसील के तहत राशन कार्ड हासिल करने वाले इस्तफादा कुनंदगान के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत करने की आखिरी तारीख में 3 माह की तौसी कर दी गई है। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफिन अब 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। साबिक में इस अमल की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई थी। हुकूमत की जानिब से फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत इस्तफादा कुनंदगान के लिए राशन को आधार कार्ड से मरबूत करने को लाजमी करार दिया गया था। ताहम अभी तक इसकी आखिरी तारीख में कई मरतबा तोसी की। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के शानदार कारकर्दगी के बाद पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंचे। रायबरेली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो अमेठी और रायबरेली के लोगों का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने खिताब में राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि वो अयोध्या सेट पर हार गई। न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी में भी वो अपनी जान बचा कर बाहर निकली। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से इलेक्शन लड़ती तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मैं अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीती है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाती। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं। खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है, हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए, और हाँ, एमए करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।